अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे ना, तो आपको भगवान के पास जाना पड़े ना पड़े, लेकिन भगवान चल के आएंगे। आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं रामायण का। सभी लोग उस प्रसंग को बड़े अच्छे से सुनते हैं, जानते हैं, मागी नावना केवट आना। हम सभी जानते हैं कि जब राम जी को वनवास हुआ तो जो केवट भैया नाव चलाने का कार्य करते थे, तो भगवान जी गंगा किनारे जाते हैं। अब जिनके चरणों से गंगा निकली है, तो क्या उनको पार जाने के लिए नाव की जरूरत पड़ती, या उनको पार जाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती? नहीं, केवट उनके जन्म जन्म के भक्त थे और इस जन्म में नौका का कार्य कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि भक्त तो जन्मों से है, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ सकता है, मैं तो जा सकता हूँ। तो आज भगवान गए हैं, तो लोग अर्थ करते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, अर्थ यही करते हैं कि भगवान ने नाव मांगी है और केवट जी आए नहीं है। यही अर्थ किया अब तक आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जिनका भाव है वो भी अपना ठीक है, लेकिन मैं हमेशा इसका अर्थ करती हूँ कि मांगी नाव ना और केवट आना। नाव को मांगा नहीं है, केवट आए हैं। जिनके दरवाजे पर गंगा किनारे वो दरवाजा ही था, वहां पे वो रहते थे, साक्षात अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक राजा राम प्रभु पधारे हों और वो केवट भैया नाव लेकर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बड़ा सुंदर भाव श्री रामचरितमानस में लिखा है, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न। अब कोमा लगाइए, केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। नाव मांगा नहीं, केवट आया है। कहई तुम्हारे मरम में जाना, मरम में जाना। अब देखिए बड़ा सुंदर भाव है, अगर वो अर्थ लगाया जाए कि नाव को मांगा है और केवट भैया आए नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं आपके मरम को जानता हूँ। जो मरम को जानता है, जो प्रभु को जानता है, जो मरम को जानता है वो प्रभु को जानता है, और जो प्रभु को जानता है वो नाव लेकर तो आएगा ही आएगा। तो आगे का सुनिएगा, भगवान राम भी आश्चर्यचकित हो गए कि कहता है कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ, और मेरे मरम को तो वो जननी भी नहीं जान पाई कि जिसने वक्षस्थल से लगा के हमें दुग्ध पान कराया। माँ कौशल्या दूध पियायो, सो जननी मेरो मरम न पायो, सो जननी मेरो मरम न पायो, मांगी नाव न केवट। मागी नावना केवट आना,
राम जी ने नाव को मांगा नहीं है, केवट भैया आए हैं, ये मेरा भाव है। नाव मांगी नहीं, केवट भैया आए हैं और आए और प्रभु से कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। जब श्रृंगवेरपुर की सीमा पे रुके थे ना राम जी, रात्रि में विश्राम किया था, तो रात्रि में वार्तालाप हुआ था लक्ष्मण भैया से और निषाद राज से। तो ये केवट भैया भी वहां आसपास थे, तो राम जी के विषय में सुन रहे थे कि ये अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, धरती का भार हल्का करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो कह रहे हैं कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। जासु नाम सुमिरत कवारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा, मांगी नाव केवट आना, मांगी नाव केवट आना। आज अपने भक्त केवट पर भगवान ने कृपा की और ये सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। भगवान किनारे जाते हैं और वो नाव लेकर आते हैं और केवट भैया भगवान से कहते हैं कि चरण धोने का हमें अधिकार दे दो, कि हम आपके चरणों को धो सकें और उसका पान कर सकें, और उसका पान करके स्वयं तो तर ही जाएं, अपने पूर्वजों को, अपने गांव को और अपने परिवार को भी तार दें। कि प्रभु अगर आप पार जाना चाहते हो तो बस एक आज्ञा कर दो कि हम आपके चरणों को पखार लें, और चरणों को पखारा है, नाव पर बिठाया है और जैसे पार लगाया, तो आज प्रभु के पास कुछ देने के लिए नहीं है। तो माता सीता ने अपनी रत्न जड़ित अंगूठी को उतार के दिया है, उतार के दिया राम जी को। तो आज केवट भैया ले नहीं रहे हैं और क्या कहा, नात आजो मैं काह न पावा, काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु, आपने चरण पखारने का हमें सौभाग्य प्रदान कर दिया, इस काठ की नाव पर आप विराजमान होकर पार कर लिया, तो नात आज मैं काह न पावा, आज मैंने क्या नहीं पा लिया, अर्थात आपको पा लिया, आपका दर्शन पा लिया, आपके चरणों को स्पर्श कर लिया, तो हमने सब कुछ पा लिया। और सच्चा धन यही है और सच्ची भक्ति भी यही है कि अगर भक्त भगवान से कहता है कि आज हमने क्या नहीं पा लिया, इसे कहते हैं ना संतोष धन। और जब तक जीवन में संतोष रूपी धन नहीं होगा ना, शांति नहीं आएगी। सर्पा पिबंत पवनम, बजा लो, सर्पा पिबंत पवनम नाच दुर्बलास्ते, शुष्कई त्रडई बन गजा बलिनो भवंती, कंदई फलई मुनिगड़ा गम्यंती कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निदानम। अब इसका अर्थ करते हैं। आपने ये देखा है कि जो बन के गज होते हैं, हाथी होते हैं, कभी किसी ने चैनल के माध्यम से देखा है, वो कितने तंदुरुस्त होते हैं, तो उनको क्या शाही पनीर खाने को मिलता है, बोलो, जूस पीने को मिलता है, वन में सूखे पत्ते खाते, हाथी तो बेचारे पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकते, जो पेड़ से गिर जाएगा वही खाएंगे, क्योंकि वो हाथी इतने बड़े हाथी हैं, पेड़ क्या उनको साध लेगा, तो वो तो टूटे पत्ते इतने खाते, लेकिन फिर भी वो तंदुरुस्त हैं। सुस्कई त्रडई बन गजा बलिनो भवंती, और कंदई फलई मुनिगड़ा गम्यंती कालम। जो आपने जंगलों में कभी साधु संतों के दर्शन किए हो, तो वो क्या आपको लग रहा है कि ढेर सारा दूध पी रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं बताओ, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ होते हैं। साधना करने वाले साधु जंगलों में आप देखेंगे, वनों में आप देखेंगे, वृंदावन में आके देख लो, वो आपको तंदुरुस्त मिलेंगे, स्वस्थ मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो संतोषी होते हैं। इसलिए
वो तंदुरुस्त होते। अजगर का सांप किसी ने देखा है? अजगर का देखा है कितना मोटा होता है बोलो। लेकिन आज तक किसी के घर में ये बता दो सब्जी रोटी खाने आया? कभी कहा परोस दो? नहीं कहा ना, क्योंकि वो संतोषी होता है। वो जिस स्थान पर होता है उस स्थान पर उसे जो प्राप्त हो जाए उसी को खा लेता है, और नहीं होगा तो वायु का पान कर लेगा। तो सर्पा पिबंत पवनम नाचा दुर्बलास्ते, वायु का पान करने के बाद भी जो अजगर का सर्प होता है वो कमजोर नहीं होता, तंदुरुस्त होता है। सूखे पत्तों को खाकर भी वन का हाथी तंदुरुस्त होता है। कंद मूल फल खाकर भी जो वनों में तप करते साधु संत वो तंदुरुस्त होते। क्यों? संतोष एव पुरुषस्य परम निदानम, सबसे बड़ा संतोष धन है। अगर जीवन में संतोष है तो सब कुछ है, और संतोष नहीं तो खूब साधन हो आपके पास, दो दो घर हो, बढ़िया एसी लगा रूम हो, सुख सुविधाओं से घर भरा हो, लेकिन अगर शांति नहीं है, आपका मन शांत नहीं है, तो आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। इसीलिए एक दिन निवेदन किया कि इच्छा रूपी सामान जितना कम होगा जीवन जीने में आनंद उतना अधिक होगा। तो जीवन का आनंद लेना है तो केवट भैया की तरह क्या कहना है? नात आजो में काह न पावा, नात आज में काव न पावा, मिटी दोष दुख दारिद दावा, दारिद दावा। राम जी कह रहे हैं कहे उग्रपाल लेहे उतराई, कहे कृपाल लेहे उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। चरणों में लौट गए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, कुछ दीजिए मत। और प्रभु आप हो ना, आपका और हमारा कार्य एक ही है। क्या है? कि मैं इस पार से उस पार लोगों को करता हूँ, और आप इस पार से संसार पार लोगों को करते हो। तो जब मैं आपके घर आऊँ ना, जब मेरा ये शरीर छूट जाए और मैं आपके पास आऊँ, तो मैंने आपको इस पार से उस पार किया है, और आप हमें अपने पार लगा लेना, अपने धाम लगा लेना। ये कहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये प्रार्थना भगवान के चरणों में सबको करनी चाहिए कि अब कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर कुछ चाहिए तो आपसे आप चाहिए। अगर कुछ दे सकते हो तो आप अपने आप को हमें दे दो।